हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू योर चैनल एकेडमिक ट्यूटर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? सो लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई की तरफ से कल जारी हुआ है दो नोटिसेस। उन्हें हम एक तरह से आपको समझा दें, क्या विशेष करके उस नोटिस में बताया गया है आपके लिए, क्या ज़रूरत है आपको जानने का उस दोनों नोटिस में, तो उसको मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो 21 जुलाई का ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने सारे प्रिंसिपल्स और जितने भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं एफिलिएटेड जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं, उनको इन्होंने नोटिस भेजा है। और ये लिखा है क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट का प्रिपरेशन रिगार्डिंग, ये सब्जेक्ट है। इन्होंने कहा है कि डियर मैडम और सर, एज ऑफ नाउ इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट स्कूल्स आर फाइनलाइजिंग देयर डाटा विथ फुल कैपेसिटी। हाउ एवर एज लास्ट डेट दैट इज 22 जुलाई, जो सबसे आखिरी डेट रखा गया था रिजल्ट के तैयार करने को, फाइनलाइज करने को, जो अंतिम दिन था वो था आज का दिन, ठीक है, वो 24 जुलाई था। इज अप्रोचिंग फास्ट, बोला जा रहा है कि बहुत तेजी से आ रहा है कि नहीं। और टीचर्स इन्वॉल्व्ड आर अंडर स्ट्रेस, सीबीएसई कह रही है टीचर की बहुत चिंता है उन्हें, और ये टीचर्स जितने भी रिजल्ट बनाने में लगे हुए हैं काफ़ी स्ट्रेस में है। गेटिंग पैनिकली एंड कमिटिंग मिस्टेक्स, और इसी हड़बड़ाहट में वो मिस्टेक्स भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट सीबीएसई को फिर डालते हैं बाद में कि फिर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है उसे सुधार कर दिया जाए। ऐसा सीबीएसई बोलती है कि टीचर्स ऐसा कर रहे हैं। सीबीएसई इज वेल अवेयर दैट द टाइम कॉन्स्टेंट्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई स्कूल एंड टीचर्स अकॉर्डिंगली, जो टीचर्स और स्कूल्स के द्वारा जितना समय चाहिए था वो नहीं मिल पाया, वो सीबीएसई समझती है, सीबीएसई उसका सांत्वना दे रही है ना। सीबीएसई हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट, इसलिए सीबीएसई ने 22 जुलाई से एक्सटेंड करके फाइनलाइज करने का जो डेट था रिजल्ट का उसे बढ़ा करके 25 जुलाई कर दिया है। 5 बजे तक सारे टीचर्स को, सारे स्कूल्स को अपना रिजल्ट सबमिट करना है। फर्दर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट स्कूल मे कंटिन्यू टू वर्क टूवर्ड कंपाइलिंग द रिजल्ट बाई कम्प्लीटिंग द मॉडरेशन टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश। बताया जा रहा है कि बाद में अंतिम मिनट पर हमारा कोई तरह का और भी वर्क बचा ना रहे, इसलिए अभी ही कंप्लीट कर दिया जाए, रिजल्ट को कंपाइल कर दिया जाए। इन केस एनी स्कूल इज लेफ्ट टू कंप्लीट द मॉडरेशन, द रिजल्ट ऑफ सच स्कूल विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली। ऐसा भी सीबीएसई ने छूट दे रखा है स्कूलों को, जो स्कूल काफ़ी पीछे रह जाएंगे उनका रिजल्ट बाद में किसी टाइम के बाद जो है, यानी सारे रिजल्ट्स जो है एक साथ नहीं निकलेंगे, कुछ कुछ रिजल्ट्स टाइम टू टाइम निकाले जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा शायद सीबीएसई के द्वारा, है कि नहीं। तो ये नोटिस है भाई, और डेट आगे बढ़ गया आपके रिजल्ट का, तो आपको और इंतज़ार करना होगा। अगर 25 तक रिजल्ट तैयार करके स्कूल्स देंगी, तो अगर इस टाइम तक हो जाए मान लो, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए, राइट। ये दूसरा नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा नोटिस में क्या है, ये प्रेस रिलीज 21/7 का नोटिस है। इसमें क्या बताया जा रहा है आपको मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। इसमें बताया क्या जा रहा है, सीबीएसई ने दो तरह के स्टूडेंट्स के कैटेगरीज बनाए हैं, एक है रेगुलर और एक है प्राइवेट। रेगुलर स्टूडेंट्स उनको कहा है सीबीएसई ने, जो कि उनके स्कूल्स में पहले से पढ़ रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड्स में उनको एडमिशन मिला है और स्कूलों में वो एडमिशन ले चुके हैं और उनका बोर्ड पेपर इस बार पहली बार था 10 और 12 का, उसे उन्होंने कहा है रेगुलर स्टूडेंट्स। प्राइवेट स्टूडेंट्स उनको कहा है जो पहले से बोर्ड दे रखे होंगे एक बार, जिनको फेल कर दिया गया था बोर्ड में, वो फिर से क्वालिफाई करने के लिए बोर्ड पेपर लिख रहे होंगे, या दूसरा अटेम्प्ट हो जिनका, है ना, जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के अंदर कैटेगरी में आएंगे। साथ ही साथ उस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं कई, जो स्कूलिंग नहीं करते और सीबीएसई की तरफ से परमिशन लेके डायरेक्टली वो अपना एग्ज़ाम देते हैं। तो सीबीएसई ने कहा है कि भाई भाई जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनका तो रिकॉर्ड स्कूल्स में है, वो तो पूरे साल स्कूल्स के साथ वो टच में थे, उनका रिकॉर्ड असेसमेंट का वो सब कुछ स्कूल के पास है, राइट। तो उनका रिजल्ट तो स्कूल कंपाइल करके ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशंस, राइट, मिड टर्म एग्जामिनेशंस, उसके आधार पर तो रेगुलर स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन भाई प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या कर रहा है, प्राइवेट स्टूडेंट्स का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है स्कूल में, कोई तरह का असेसमेंट ही नहीं है, कोई तरह का असाइनमेंट ही नहीं है, तो उनका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा। इस पर उन्होंने जब बात करी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर रखी हुई है बात, तो सीबीएसई और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, वो है कि उनका एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जाएगा। जी हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट्स के बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा
और सेपरेटली लिया जाएगा। कब लिया जाएगा ये डेट भी आप देख सकते हो सेकेंड लास्ट पॉइंट में, 16th of August से लेके 15th of September के बीच में ये डेट आपका अनाउंस किया गया है। उसके बाद समय बहुत कम लिया जाएगा, इस एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, यही कहती है CBSE। एक और चीज़ कह रही है कि भैया जिनको ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ CBSE के रिजल्ट के आधार पे जिनका एडमिशन होता है, तो वो एडमिशन लेती है, वो बॉडी जो है वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सारे ग्रेजुएशन के पूरे प्रोग्राम को, इनरोलमेंट को लेकर, सारे रिजल्ट को लेकर वो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, UGC बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। तो CBSE कहती है आखिर के पॉइंट में, UGC एंड CBSE आर लुकिंग इनटू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के हित में काम करने की कोशिश हो रही है UGC के द्वारा भी, इसीलिए UGC अपना एडमिशन का जो शेड्यूल है वो CBSE के रिजल्ट के बिल्कुल क्या बोलेगी, उनके साथ साथ मेल मिलाप करते हुए बनाएगी, यानी कि CBSE रिजल्ट देगा तो UGC एडमिशन लेगा। डन बालक, तो ये आपको अपडेट मैंने दिया आपके चैनल एकेडमिक ट्यूटर पे, तो लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर गाइज़।